नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे भूगोल से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे, वन डे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लाए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 100 क्वेश्चंस आपके देख चुके हैं, 101 से हमें बात करनी है। 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका यूएसए। 101वें क्वेश्चन में क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका दूसरा, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? तो यह आपका बोन झील। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? ये आपकी टीटिकाका झील। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 5, 4, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो ये आपकी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़े खारे जल की झील है। क्वेश्चन है हमारा 5, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर जो आपकी झील है, ये आपकी कजाकिस्तान में है। ठीक है, क्वेश्चन है 6वां, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ये आपकी कैस्पियन सागर। क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो आपको याद रखना है फिनलैंड को। क्वेश्चन है आपका 8, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये आपका वेनेजुएला में। क्वेश्चन है 9, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका कोरोनी नदी पर। क्वेश्चन है 10, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बायोमा आपका जो जलप्रपात है, ये आपका जैर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है हमारा 11, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था आपका 1854 में। स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1854 में। क्वेश्चन है 12, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? कील, जो कील नहर है आपकी, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। क्वेश्चन है तीसरा, किरा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपकी थाईलैंड में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 14, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? तो ये आपका स्वेज नहर। क्वेश्चन है आपका 15, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो आपकी कजाकिस्तान की लगती है, आर्मेनिया की नहीं लगती है, अजरबैजान की भी लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है आपका 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह आपकी विक्टोरिया, जो आपकी विक्टोरिया झील है, ये तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन है आपका 17, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील बोन झील किस देश में स्थित है? जो आपकी बोन झील है, ये किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है, ये आपकी है तुर्की में। क्वेश्चन है आपका 18,
सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 19, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो ये आपकी 1869 में, ठीक है। सुएज नहर का बनना प्रारंभ हुआ था 1854 में और इस पूर्ण कार्य हुआ या तैयार हो गई है 1869 में, ठीक है। क्वेश्चन है 20, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका अंटार्कटिका, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 21, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका यूरोप। क्वेश्चन है आपका 22, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो जो आपका एशिया महाद्वीप है इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन है 25, पिति चक्रवात की आकृति सामान्यता होती है? तो यह होती है आपकी गोलाकार। क्वेश्चन है 26, लोयस का पठार है कहाँ है? पवनकृत, लोयस का पठार है पवनकृत। क्वेश्चन है आपका 27, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो 90%। क्वेश्चन है आपका 28, डेकेंसबर्ग पर्वत है, डेकेंसबर्ग पर्वत आपका दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस देश में लुएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो आपके कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं, यूक्रेन और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है आपका 30, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 33%, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 31, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका झोप मंडल में, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 32, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो ये आपके झोप मंडल। क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर का जो पठार है इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका 34, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज क्षेत्र, खनिज तेल नहीं पाए जाते हैं, मैग्नीज पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, लेकिन खनिज तेल नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 35, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 36,
विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो जितना शांत होता है उतना ही बड़ा होता है, या जो जितना बड़ा होता है उतना ही शांत होता है। प्रशांत महासागर को इसका उदाहरण ले सकते हो आप लोग। क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से किस महासागर की को छिद्रता छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो यह आपका आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन है आपका 38, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, आपका गोबी मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन है आपका 39, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो ये आपका चिली में। क्वेश्चन है आपका 40, सीप का निर्माण किससे होता है? तो ये पवन से। क्वेश्चन है आपका 41, क्या है ड्रेमलिन? क्या है ड्रेमलिन? आपका एक अंडाकार पर्वत है। क्वेश्चन है आपका 42, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की जो घाटी है ये आपकी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन है आपका 43, विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा महासागर है? तो ये आपका आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा है आपका आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन है 44, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा। क्वेश्चन है 45, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप। क्वेश्चन है 46, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर आपका रूस के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन है आपका 47, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन है आपका 48, महा मरुद्वीपीय किससे संबंधित है? तो ये आपका रेगिस्तान से। क्वेश्चन है हमारा अगला 49, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आपका सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन है हमारा 50, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। बी ऑप्शन सही होगा, थार मरुस्थल। क्वेश्चन है हमारा 51, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जो आपकी का गोबी मरुस्थल है ये आपका मंगोलिया में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 52, सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो यह आपकी पेरू में। क्वेश्चन है हमारा 53, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो यह होती है आपकी यू आकार की। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 54, भी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो भी आकार की घाटी आपकी नदी बनाती है। क्वेश्चन है हमारा 55, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को आपको मिलती है? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। क्वेश्चन है आपका 56, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो आपका मालागासी नहीं है, इसमें से सेंट हेलेना है, एलाइस है और हवाई द्वीप है, लेकिन जो आपका मालागासी है ये महासागरीय द्वीप नहीं है आपका।
क्वेश्चन है आपका 57। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 58। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ये आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्वेश्चन है आपका 59। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज़्यादा है आपका अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, ठीक है, के ऊपर। क्वेश्चन है आपका 60। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो जो आपका एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन है आपका 61। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है, तो ये आपका अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है, बाकी अफ्रीका एशिया यूरोप में पाया जाता है। क्वेश्चन है 62। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है, तो यह आपकी संवहनीय वर्षा के रूप में। क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है, तो यह आपकी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। क्वेश्चन है 64। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, तो यह आपका विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार आपका यूरोप में है। क्वेश्चन है आपका 65। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, तो ये आपका अफ्रीका को कहते हैं। क्वेश्चन है आपका 66। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर होता है, तो यह आपका कच्चा तिऊर द्वीप, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 67। निम्नलिखित में से कौन सी घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है, यह है आपका स्टेलेगमाइट, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 68। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं टुंडा। क्वेश्चन है आपका 69। दस्ते काबिर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है, जो आपका दस्ते काबिर मरुस्थल है यह आपका ईरान में है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 70। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा 71। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति है यह आपकी प्रशांत महासागर की, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 72। किस सागर का तट नहीं है, किस सागर का तट नहीं है, सार्गेसो सागर का तट नहीं है। क्वेश्चन है आपका 73। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है आपका दक्षिणी चीन सागर, ये आखिर अक्सर विवाद में बना रहता है। क्वेश्चन है हमारा 74। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो आपकी जिब्राल्टर, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 75। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है, जो आपकी डेविस जलसंधि है या आपकी विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। क्वेश्चन है आपका 76। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 77।
निम्नलिखित में से किस जलधारा को किस मस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो ये आपकी अल नीलो जलधारा। 77 में आपका सी क्वेश्चन है आपका 78। गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो यह आपकी क्यूराइल जलधारा। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 79। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो आपकी हम्बोल्ट शीत समुद्री धारा है। क्वेश्चन है 80। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन है हमारा क्या है 81। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35%। क्वेश्चन है हमारा 82। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? ये आपकी ब्राजील की जलधारा। क्वेश्चन है आपका 83। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यह आपकी अटलांटिक महासागर की। क्वेश्चन है हमारा 84। फिरवाल क्या है आखिर? फिरवाल आपके एक समुद्री जीव होता है, ये आपके समुद्री जीव। क्वेश्चन है 85। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन है आपका 86। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है आपकी राइन नदी। क्वेश्चन है आपका 87। सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी आपकी जो है ये फ्रांस में बहती है। क्वेश्चन है 88। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी जो आपकी है ये भूमध्य सागर में गिरती है। क्वेश्चन है 89। किस नदी को चीन का सो कहा जाता है? यह आपकी हुआंग हो। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 90। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। क्वेश्चन है 91। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्वेश्चन है 52। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये आपकी अमेजन नदी। क्वेश्चन है आपका 93। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटिस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो ये आपकी इराक में बहती हैं। क्वेश्चन है 94। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? बोल्गा नदी आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। क्वेश्चन है हमारा 92। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध है आपका रोगवांसिकी। क्वेश्चन है हमारा 96। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो पेरिस शहर है आपका ये सीन नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन है हमारा 97। वियना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो वियना आपका शहर है ये आपका डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। रोम नगर किस नदी के तट पर है? जो आपका रोम नगर है ये आपका टाइवर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है आपका 99। हैम्बर्ग किस नदी के किनारे? जो हैम्बर्ग है आपका ये एल्ब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह आपका खारतूम। तो चलिए ये थे आपके
200 क्वेश्चंस तक, 201 से हम लोग आगे बात करेंगे।